नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। श्री मोदी 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में जहरीली शराब त्रासदी की जांच के लिए अपना दल भेजने का निर्णय लिया। भारत ने कहा, सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों के हित के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। एफआईएच नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वेलेंसिया में स्पेन को 1-0 से पराजित किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज रात कतर में फ्रांस और अर्जेंटीना आमने सामने। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। श्री मोदी दोनों राज्यों में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज मेघालय के शिलंग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी शिलंग की एक दिन की यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर परिषद ने पिछले 5 दशकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई विकास परियोजनाओं को सहायता दी है। इसके बाद शिलंग में एक जन समारोह में प्रधानमंत्री 2,450 करोड़ रूपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 4G मोबाइल टावर देश को समर्पित करेंगे, जो 320 से अधिक बन चुके हैं और 890 का निर्माण कार्य जारी है। श्री मोदी शिलंग के में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे शिलांग डैंगस्पो सड़क का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे शिलांग के नए शहर से जुड़ने में आसानी होगी और शिलांग में यातायात का दबाव कम होगा। प्रधानमंत्री 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में है। रुस्तम के साथ आकाशवाणी समाचार से विनय सक्सेना। दोपहर में प्रधानमंत्री अगरतला में एक जनसभा में 4,350 करोड़ रुपए की कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये घर 2 लाख लाभार्थियों के लिए 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में अगरतला के MBB हवाई अड्डे पहुंचेंगे। श्री मोदी अगरतला के विवेकानंद मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री अगरतला सरकारी दंत महाविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अगरतला से रीना नोंगमेथम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यवस्था को पारदर्शी और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। श्री मोदी ने लगातार दूसरे वर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने आगामी 25 वर्ष के अमृत काल में भारत को गौरवशाली और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान के विरोध में कल राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए। भाजपा ने कहा है कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री की टिप्पणी अपमानजनक और कायरतापूर्ण है और केवल सत्ता में बने रहने के लिए की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पादों का वर्तमान लक्ष्य 12 अरब डॉलर से बढ़ाकर 22 अरब डॉलर करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि आने वाले वर्षों में उनके लिए विकास की कई संभावनाएं खुलने वाली हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने रक्षा पूंजी का एक हिस्सा घरेलू उत्पादों की खरीद के लिए आरक्षित कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को हतोत्साहित करने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की निंदा की। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश की सेना साहस और बहादुरी का परिचय देती है, लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणी भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाली है। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है, ये नया भारत है
अपना पराक्रम अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी, हर नागरिक खड़ा है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मौके पर जांच के लिए अपना दल भेजने का निर्णय लिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जहरीली शराब कांड के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। इसके लिए आयोग एक स्वतंत्र टीम बिहार भेजेगा, जिसका नेतृत्व आयोग के ही एक सदस्य करेंगे। आयोग का मानना है कि अधिकतर पीड़ित लोग गरीब परिवारों के हैं और वे निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करवा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। आयोग राज्य के विभिन्न स्थानों पर चोरी छिपे बनाई जा रही है शराब के अड्डों के नष्ट करने के लिए प्रस्तावित उपायों का भी जायजा लेगा। इस बीच राज्य में जहरीली शराब कांड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों की भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में COP15 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने भारत की इस बात पर बल दिया कि जहां वैश्विक जैव विविधता ढांचे में निर्धारित लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने चाहिए, वे यथार्थवादी और व्यावहारिक भी होने चाहिए। The goals and targets set in global biodiversity framework should be ambitious yet realistic and practical. Conservation of biodiversity must also be based on common but differentiated responsibilities and respective capabilities as the climate change processes affect biodiversity. Excellencies for the developing nations. Agriculture is a paramount economic driver for rural communities and the critical support provided to these sectors cannot be redirected. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे लालिन लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देश की मध्यमार्गी गठबंधन सरकार के साथ बारी बारी से सत्ता संभालने के समझौते के अंतर्गत वराडकर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर श्री वराडकर को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत और आयरलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुमुखी सहयोग का वे सम्मान करते हैं। भारत ने महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। वेलेंसिया में फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 1-0 से हराया। गुरजीत कौर ने एकमात्र गोल किया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2023-2024 के FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे फाइनल मुकाबले में दो बार की चैंपियन अर्जेंटीना और मौजूदा चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता का रंगारंग समापन समारोह शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल क्रोएशिया प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। एक रिपोर्ट। क्रोएशिया फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान पर रहा। कल उसने ज्वाइंट किलर मोरक्को को 2-1 से हराया। दोनों टीमों ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले 9 मिनट में ही दो गोल कर दिए।
सातवें मिनट में क्रोएशिया के जोस्को ग्वाडियोल ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। नौवे मिनट में मोरक्को के अशरफ दारी ने बराबरी का गोल किया। बयालीसवें मिनट में मिस्लाव ने गोल कर क्रोएशिया को निर्णायक बढ़त दिला दी। इसी के साथ पिछले 11 विश्व कप में तीसरा स्थान किसी यूरोपीय देश ने हासिल किया। 1978 में ब्राजील तीसरे स्थान पर आने वाली आखिरी लैटिन अमेरिकी टीम थी। 40 लाख से कम आबादी वाली क्रोएशिया पिछली बार उपविजेता थी और 1998 में तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं स्पेन, पुर्तगाल और बेल्जियम को मात देने वाला मोरक्को पहला अफ्रीकन देश है जो विश्व कप में चौथे स्थान पर रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 दृष्टिबाधित विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्होंने भारतीय टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रचा है। देश को उन पर गर्व है। भारतीय टीम ने तीसरी बार T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता था। और अब एक नजर मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में हल्की धुंध छाई रहेगी। बंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में सवेरे हल्की धुंध रहेगी। शिलंग और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। अगरतला में धुंध छाई रहेगी। गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा। धन्यवाद मुकेश। राहुल गांधी के चीन संबंधी बयान पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की खबर आज सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हिंदुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, तवांग में सेना ने अदम्य शौर्य दिखाया। नवभारत टाइम्स के मुताबिक रक्षा मंत्री ने सेना को सराहा। चीन पर इशारा करते हुए कहा, गलवान के बाद तवांग में भी दिखाई ताकत। अमर उजाला के अनुसार केंद्र ने कहा, एलएसी एलओसी पर सेना की कड़ी नजर, सेना की भी तैयारी पूरी। चीन पाकिस्तान के स्पष्ट संदर्भ के साथ रक्षा मंत्रालय ने जारी की वार्षिक समीक्षा। वीर अर्जुन ने अपने आलेख में लिखा है, लाल सेना को भारतीय सेना ने दिखाई लाल आंखें। पत्र कहता है, भारत का कद बढ़ा है क्योंकि यह मामला सिर्फ छोटी मोटी सैन्य झड़प का नहीं बल्कि इसका ताल्लुक चीन की विस्तारवादी नीतियों से है। वर्तमान में चीन के 16 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। दैनिक जागरण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बताया जयचंद और गद्दार। राष्ट्रीय सहारा ने कहा है, भाजपा की मांग, राहुल को कांग्रेस से करो बाहर। उधर पंजाब केसरी ने कहा है, पीएम से खड़गे बोले, चीन पर चर्चा कब। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, जीएसटी में 2 करोड़ की गड़बड़ी पर ही केस, एसयूवी पर 22% हुआ सेस। देशबंधु की सुर्खी है, जैव ईंधन पर जीएसटी 18 से बढ़कर हुआ 5%, किसी वस्तु पर कोई कर वृद्धि का फैसला नहीं। हरिभूमि ने करदाताओं के लिए खुशखबरी देते हुए लिखा है, आयकर में 5 लाख रूपये तक की मिल सकती है छूट। अमर उजाला का शीर्षक है, भारत लगातार तीसरी बार बना चैंपियन। भारत ने दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में बांग्लादेश को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। पत्र ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल पर सुर्खी दी है, मैसी या मबापे, फाइनल में किसका चलेगा जादू। और उधर जनसत्ता का शीर्षक है, मैसी की यादगार विदाई के लिए जूझेगा अर्जेंटीना। दैनिक भास्कर के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी। पारा अभी और गिर सकता है और दिन भी होते जाएंगे और ठंडे। उधर राजस्थान पत्रिका ने डीआरडीओ की पहल को प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने कहा है, बर्फीले क्षेत्र में जवानों को ठंड से बचाएगी रेशम की रजाई, जो वजन में भी होगी काफी हल्की। और हरी भूमि की सुर्खी है, धरती के 90% पानी को मापेगा नासा का सैटेलाइट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। श्री मोदी 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में जहरीली शराब त्रासदी की जांच के लिए अपना दल भेजने का निर्णय लिया।
भारत ने कहा, सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों के हित के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्व जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। एफआईएच नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वेलेंसिया में स्पेन को 1-0 से पराजित किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज रात कतर में फ्रांस और अर्जेंटीना आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।